1992 में हेमा मालिनी ने बतौर डायरेक्टर अपनी पहली मूवी बनाई थी, नाम था दिल आशना है। मूवी बहुत ज्यादा नहीं चली लेकिन अपने रोमांटिक एंगल की वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिकली अक्लेम्ड हो गई। इस मूवी से बहुत लोगों का इतिहास जुड़ा है, खास तौर से शाहरुख खान का, बिकॉज शाहरुख खान की पहली डेब्यू मूवी थी। भले ही दीवाना पहले रिलीज हो चुकी हो लेकिन पहली बार उनको मौका हेमा मालिनी ने दिया था। बहरहाल आज बात शाहरुख खान की नहीं ना तो हेमा मालिनी की बल्कि सनी देओल की होने वाली है, बिकॉज सनी देओल अपनी सौतेली माँ के साथ बहुत समय पहले इस मूवी के सेट पर भिड़ चुके हैं। मामला उनकी गर्लफ्रेंड से जुड़ा हुआ था। क्या है पूरा माजरा, लेट्स फाइंड आउट। एक्चुअली 1992 से पहले जब मूवी का शूट स्टार्ट हुआ तब बहुत ज्यादा बड़े स्टार उसमें काम कर रहे थे, फिर चाहे वो दिव्या भारती हो, मिथुन हो, जितेंद्र हो या फिर डिम्पल कपाड़िया। और हम सब जानते हैं कि उन दिनों सनी देओल डिम्पल कपाड़िया को डेट कर रहे थे और ये बात बातों बातों में सनी की सौतेली माँ ने अपनी किताब में मेंशन कर दी है, जिसका नाम है बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल। एक्चुअली एक मूवी का सीन शूट हो रहा जहां पर गाने के सीक्वेंसेस में हेलीकॉप्टर भी यूज होना था और कहते हैं कि उन दिनों हेलीकॉप्टर का सीन बहुत कॉस्टली शूट होता था। हेमा मालिनी ने पूरे कास्ट को बुला लिया, पायलट को बुला लिया और हेलीकॉप्टर को भी किराए पर ले लिया। लेकिन उसके एक दिन पहले एक बड़ा हवाई हादसा हो गया जिसको देखकर डिम्पल कपाड़िया बहुत डर गई, बिकॉज डिम्पल कपाड़िया को मिथुन के साथ हेलीकॉप्टर पर बहुत ही रोमांटिक सीन शूट करना था। लेकिन जब पायलट ने इतना बड़ा हादसा अंजाम दिया एक दिन पहले, तब हेमा मालिनी के सामने डिम्पल को डर लगा और डिम्पल ने हेमा से रिक्वेस्ट की कि इस तरीके के सीन को वो शूट नहीं कर पाएंगी। लेकिन चूंकि पैसा बहुत लग चुका था, ऊपर से हेमा मालिनी जानती थी ये सीन बहुत रोमांटिक होने वाला है, इसलिए हेमा मालिनी ने बार बार डिम्पल कपाड़िया को कन्विंस किया और कहा कि प्लीज आप इस शॉट को दे दीजिए। लेकिन बाद में हेमा मालिनी ने देखा कि ये कंप्लेन सनी देओल तक पहुंच गई और सनी देओल डिम्पल कपाड़ी कहने पर सेट पर पहुंचे और हेमा मालिनी से डिबेट करने लगे। हेमा को उन्होंने फोर्स कर कहा कि डिम्पल से ऐसा खतरनाक सीन न करवाएं, लेकिन हेमा बताती है कि सनी इनको किनारे पर ले गए। तब हेमा ने सनी को कन्विंस किया और बहुत तसल्ली देते हुए कहा कि कोई भी खतरा नहीं है, मैं स्पेशल ऑपरेटर के थ्रू ध्यान रखूंगी, मेरी पूरी सेफ्टी सिक्योरिटी टीम मौजूद होगी और आप डिम्पल को बोलिए प्लीज ये सीन करते। तब अपनी सौतेली माँ कहने पर सनी देओल ने डिम्पल को कन्विंस किया और बाद में वो सीन प्रॉपरली शूट हुआ बिना किसी एक्सीडेंटल हैजर्ड के। तो इससे दो बातें साबित होती हैं। पहली बात तो कि सनी का डिम्पल के साथ जो अफेयर था वो बिल्कुल फैक्चुअल ट्रुथ है और ये बात उनकी सौतेली माँ खुद मेंशन करती हैं। नंबर दूसरी बात है कि सनी अपने प्यार के लिए अपनी सौतेली माँ से भिड़ सकते हैं, इस बात का नमूना भी इस घटना से साबित होता है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगर हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, साथ ही वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा।